देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ध्रुव जी, प्लीज इन्हें देखिए क्या किया। ध्रुव जी, अरे डॉक्टर साहब, इसे तो बहुत चोट लगी है। डॉक्टर साहब, ये निशान कैसे? क्या किया आपने ध्रुव जी? पेशेंट को हमने दवाई दे दी है, उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। इस चोट और वीकनेस के कारण ये बेहोश हो गए हैं। क्या जरूरत थी ये सब करने की? माँ नाराज हो गई थी, बस मनाने गए थे हमें। उन्हें मना कर तुम्हें वापस लेकर आया। इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और लांग के जाना है। ए बचवा, बस अभी खुद भी अपने आप को टॉर्चर नहीं करेगा और हमें भी नहीं रुलाएगा, ठीक है? बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ और जल्दी से घर जाना है। इस स्थानीय ध्रुव पांडे, घर चलने के लिए तैयार? रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। आगल औरत, जाओ यहां से, कहीं मरवर गई तो हम खतरे में आ जाएंगे। नमः शिवाय।
बेटा कैसा है तू? ठीक तो है ना? धानी बेटा तू कैसी है? ठीक है ना बेटा? धानी तुम ठीक हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है अब? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आओ बेटा, आओ ना बेटा, बैठो, आ जाओ, संभल के आ जाओ, आराम से बेटा, आराम से। हम अभी आते हैं। धानी बेटा आप दोनों खड़े हो जाइए। ये सब क्या? बेटा नजर उतारते वक्त बात नहीं करते। अभिषेक जी। बेटा आ जाओ भाई, जाओ बेटा, आराम से आराम करो, आ जाओ तानी, आराम करो बेटा। ये क्या कर रही हो तुम? ध्रुव की नजर उतारी वो तो ठीक था, पर धानी की नजर क्यों उतारी? तुमने उसे अपनी बहू तो नहीं मान लिया? जीजी कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए जीजी, आज तक हमने जो कुछ भी किया ध्रुव की खुशी के लिए किया, लेकिन अब जब धानी में ही ध्रुव की खुशी है तो हम चाहें या ना चाहें इस दर्द को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें धानी को अपनाना पड़ेगा जीजी। अरे ये क्या कर रही है जीजी आप? क्या, अरे क्या हो गया आपको? तुम उस लड़की को माफ कर सकती हो रूपा, पर हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने उस लड़की के तेवर नहीं देखे थे? उसने हमारी इज्जत पर जो धब्बा लगाया है उसे हम जीते जिंदगी कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जीजी सृष्टि भी ध्रुव के लिए सही नहीं है। कहा तो लग जाई धक से, अब नफरत में हम इतने भी अंधे नहीं हुए कि उस जैसी लड़की को घर में लाकर आग लगा लें। पर हाँ, धानी को भी अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ सृष्टि, हम घर के बाहर ही खड़े हैं, हमें आपसे बात करनी। अब क्या बात करनी? हमें घर वापस आना है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? घर में आने की सोचा भी नहीं, यहाँ पर धानी को सबने अपना लिया। नहीं, हम धानी को इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। वो जीत चुकी है सिस्टी, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। आपकी शक्ति क्या हुआ धानी? धानी हम बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। क्या खाक ठीक है? हम इतने भी बीमार नहीं है ध्रुव जी, की आपका दर्द नहीं नजर आए। अब जरा लेटिए यहाँ पर, हम अभी आते। धानी कह रहे ना ठीक है, हम क्यों चिंता कर रहे? हम आपसे विनती नहीं कर रहे, आदेश दे रहे, चुपचाप लेटिए, हमें बहस नहीं करना अभी। क्यों रहे?
मुस्कुराना बंद कीजिए, लेट जाइए चुपचाप, अभी आ रहे हैं। क्या है? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं बैठो हमारे साथ, अपने आप ठीक हो जाएंगे। रंग जाओ तेरे रंग में, मैं रंग जाओ तेरे रंग में। और आपको इस तरह दर्द में देखकर हम तो ठीक नहीं रहेंगे ना ध्रुव जी, 5 मिनट की बात है, बैठ जाइए ना माते पिता, बैठिए, बैठ जाइए, हम अभी आते हैं। धानी लो, लेट गया, अब बताओ कि हमें लिटाने के बाद क्या करने वाले? सब्र कीजिए, कुछ ही देर में जवाब मिल जाएगा। अरे क्या हुआ, आप ऐसे खड़े क्यों हो गए अचानक? क्या ये? चूची लेप है, बहुत फायदेमंद है, आपका सारा घाव भर जाएगा। और जानते हैं हम, लेकिन हम ये लेप वेप नहीं लगवाएंगे। नहीं लगवाना मतलब? चूची हम कह रहे हैं इसका बहुत अच्छा असर होगा, आप प्लीज इसमें सरसों का तेल है ना? वो अभी यही कहा करती थी कि बहुत अच्छा है, जख्म पे लगा लो, दर्द नहीं होगा, लेकिन सच बताएं हमें बहुत दर्द होता लगाने के बाद। शर्ट रखिए, क्यों नहीं लगाएंगे आप? अरे हम कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों बच्चों जैसी इज्जत कर रहे हैं आप? कह रहे हैं ना लगा लीजिए, आराम मिलेगा, फायदेमंद है ये। इसके फायदे में फायदे है ना, तो एक काम करो, लो ये फायदा तुम। अरे फायदा है ना सब इसके। अरे हमें चोट नहीं लगी, आपको लगी है। नहीं हम नहीं लगाएंगे, धानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप शेर से लड़ लेते हैं, मगरमच्छ से लड़ लेते हैं, स्पाइडरमैन बनकर सांपों के ऊपर से उड़कर जाते हैं, गुंडों को मार देते हैं, लेप से डर रहे हैं। ध्रुव जी आप लगा लीजिए ना। धानी धानी हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अरे दर्द होता है इससे और भी। कर रहे आप ध्रुव जी, ये शर्ट छोड़ी हम कह रहे ना, छोड़ी छोड़ी। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, हमारी फेवरेट शर्ट थी वो। एक बार कहा था कि लेप नहीं लगवाना हमें, आप तो लग बहुत अच्छे रहते। एक बार कहा तुमसे कि हमें नहीं लगवाना लेप, तो क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों इज्जत कर रहे हो बच्चों जैसे? वैसे ध्रुव जी, मरीजों की ऐसे ही इज्जत के कारण आधी बीमारियां खत्म ही नहीं होती इस देश में। लगवा लीजिए ना लेप। बातें तो ऐसे करो जैसे बहुत बड़े डॉक्टर हो तुम, है ना? और आपके तकलीफों के डॉक्टर जो है? तकलीफों के डॉक्टर नहीं, तकलीफों का कारण हो। ये अपनी डॉक्टरी ना अपने पास रखो, नहीं चाहिए तुम्हारी डॉक्टरी हमें, और खासकर ये लेप, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। तुम्हारा क्या है, तुम तो लेप लगा के निकल जाओगी, उसके बाद सारा दर्द हमें सहना है। और तुम भी ना ये बुआ वाली बातें मत करो हमारे साथ, लेप लगा लो दर्द ठीक हो जाएगा। अरे लेप लगाने के बाद ना दर्द बहुत होता है, और ऐसे आत्मा ने एकदम बुरी। क्या कर रही हो तू? क्या कर रही हो? थोड़ा सा बाकी है तुम। दारी दारी प्लीज, दारी प्लीज, थोड़ा सा बाकी है ना तुम जी, हम क्या थोड़ा सा? नहीं 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 तुम जी, दारी रूप जी भाई,
दानी प्लीज दानी भाई हमारी बात सुना, हमें बहुत दर्द होता है, बहुत जलन होती है, दर्द होगा हमें ना। आपको लगता है हम आपको जरा सा भी दर्द होने देंगे? अच्छा तो फिर ऐसा क्या करोगे जिससे हमें दर्द नहीं होगा? रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग हो रहा है। हमने कहा रूपा जी जल्दी चल। सृष्टि बच्चा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर अंकल जी हम कहाँ जाएं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अच्छी तरह जानते हो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही हैं आप। सृष्टि बच्चा एक वचन हमने आपके पिताजी को दिया था धानी के मुतालिक, वो पूरा किया हमने। अब एक वचन आपको देता हूँ, आप घर जाके बैठोगे ना तो सब अच्छा होगा। आप जो हो रहा है जो हुआ वो भी विधि का विधान था, जो हो रहा है वो भी विधि का विधान है। क्या करोगे अंदर ये दहलीज के अंदर जाके क्या करोगे? कुछ नहीं मिलेगा, खाली बर्तन है, खाली बर्तन। बता रहा हूँ आपसे, बड़ी मुश्किल से हमने संभाला है। आप ये दहलीज के अंदर कदम रख के पूरा खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम आपको बता रहा हूँ हमने तो किसी कनपटी बंदूक नहीं रखा, ये दिलों का मामला होता है। अंकल जी हम अपनी जिंदगी संवारना चाहते थे लेकिन हम तो बर्बाद हो गए और ये धानी आबाद हो गई। सुनिए जी आपको देर हो रही है, आप जाइए, हम इसे अच्छी तरह से समझा के भेज देंगे। घर तक के लिए गाड़ी कर दीजिएगा और सुरक्षित घर पहुंचना चाहिए। हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, हम इसे अच्छी तरह से भेज देंगे। ठीक है बच्चों चलता हूँ। ए लड़की बहरी हो गई है क्या? इज्जत दे रहे हैं तो सुहा नहीं रहा है तुझे। अरे जाओ यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। सुनो नहीं क्यों कहा, चल निकल यहाँ से, निकल बेशरम लड़की, चल दफा हो जाओ हमारे घर से। चक्की पीसने वाले की दो कौड़ी की लड़की, निकल। जो बदतमीजी आप हमारे साथ कर रहे हो ना इस सब का हम चुन चुन के बदला लेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। साहब तो लग जाए धक से। चलो रूपा। हाँ, 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 हाँ।
मैदान में। चिपकली! क्या? चिपकली! कहाँ? वो